وأحسن منك لم ترقت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب

शम आज का मौजू क्या जिंदगी गुजारने की हमारी नीयत खराब हो चुकी है इसके साथ आज के सबक का आगाज करते हैं सबसे पहले गुज्ता सबक का अदा होगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहन वाला है असर की कसम

ज़माने गवाह है इस बात पे पर इंसाना लफी ख़ुसन के इंसान नुकसान में है अल्जीना आमनु व आमिल साल मगर वो लोग नहीं जो ईमान ले आए और अमल साल किया तो बिल्ह किया तवासो बेसब्र किया सामने कराम जो लोग नुकसान से बचने वाले हैं उसकी बात हो रही है अल्ल जीना ये सबक़ है हमारा इस पर हम गौर और फिक्र कर रहे हैं तो गुजत सबक में मैंने आपको ये कहा था कि ईमान बिल्ला जो है वो पहली शर्त है तमाम शराइ से पहले अमल सवाल हो नहीं सकता जब तक आपका ईमान बिल्ला ना हो ये बात नोट कर लें और गुजशत सबक में मैंने आपको ये कहा था कि हमारा ईमान बिल्ला नहीं है देखें मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या हम दीन को समझते हैं क्या हमने अपने आप को हम जानते हैं क्या हम अपनी हकीकत से आगा हैं क्या हम अपने जो मकसूद हयात है या ज़िंदगी का मकसद है उसके बारे में हमें आगाही है यकीन की हद तक ऐसा कुछ भी नहीं है दीन इस्लाम क्यों है वही क्यों नाजिल हुई है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम क्या है ये हमें कुछ भी नहीं मालूम जब ये सब कुछ नहीं मालूम फिर जन्नत ज़ख और बास बादल मौत का तो तस्करी कुछ नहीं है असल चीज तो ईमान है यकीन है कि जो बुनियादी जिंदगी के हकायक हैं आपका उस पर ईमान हो जिंदगी के हकायक क्या हैं देखें जिंदगी की हकीकत Uh, सबसे पहले आपको ख़ुद अपनी तलाश करनी होगी कि मैं कौन हूँ अपने आप को डिस्कवर करना होगा और अपने आप के बारे में आगाही हासिल करनी होगी जब तक आप अपने अपने आप को आपने नहीं पहचाना आप अप अपने रब को नहीं पहचान सकते ये बात नोट कर लें यह बात कही जाती है आम तौर पे हम सुनते भी हैं कि भाई जिसने अपने रब को जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया लेकिन जो दो कान अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं आप ये समझते हैं कि ये इसलिए हैं कि एक कान से सुनो और दूसरे कान से उड़ा दो बात को तमाम रवैया हमारा ये है हम कुरान की बातें सुनते हैं अल्लाह ताला की जन्नत की दोज़ख की और रसूल पाक अलैहि वसल्लम की अहादी से मुबारक पढ़ते हैं लेकिन हम उसको इग्नोर करते चले जाते हैं नज़रअंदाज करते चले जाते हैं उसकी वजह क्या है कि हमारी मंजिल बातिल है हक़ हमारी मंजिल न है न उसे हम बनाना चाहते आम तौर पे आप देख लें पड़े से पड़ा हुआ शख्स है वो भी जाहिर के धोखे में मुबला है हमारे तमाम आबाजाद जो थे वो ज़ाहिर के धोखे में पड़े हुए थे जाहिर ही उनकी मंजिल थी तो बहरल ये सारी बातें इसके बारे में आपने देखना होगा सोचना होगा समझना होगा कि क्या हुआ और क्या हो रहा है और ये भी आपको जानना चाहिए कि क्या होना चाहिए होना ये चाहिए कि सबसे पहले आप यकीन हासिल करें अपने आप पर कि आप कौन हैं इस कायनात की क्या हैसियत है मेरी इस कायनात में क्या हैसियत है ये दुनिया जो है ये अल्लाह ताला ने किसके लिए बनाई है जाहिर है कि वो इंसान के लिए है तो फिर आप ये सवाल करें कि मुझे अल्लाह ताला ने क्यों बनाया है और ये तो देखें एक अगर आप देखें कि दुनिया को आप एक स्टेशन तस्वुर कर लें तो हर रोज़ रेलगाड़ी आती है उसमें वो यानी एक मिसाल के ज़रिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एक गाड़ी आती है और दूसरी गाड़ी जाती है तो गाड़ियां आ रही हैं नई अरवाह की उनको नए अहसाम मिल रहे हैं रूहें आ रही हैं जिसम मिल रहे हैं उनको जिंदगी मिल रही है कुछ रूहों का टाइम पूरा हो गया है वो वापसी की गाड़ी में चली जाती हैं यही एक वो है बाकी तो यानी और जिंदगी क्या है आपके ख्याल में आपकी जिंदगी एक यानी अगर कोई हकीकत है तो वो उसकी ज़ाहिरी है आपकी नज़र में क्योंकि जानवरों की तरह आप रह रहे हैं जानवरों के पास अकल नहीं है वो तो यानी अल्लाह ताला ने उनको एक मजबूर पैदा किया है और उनका मकसद और तरीक़ा जो है वो उनको फीट कर दिया गया है हर जानवर अपना मकसद हयात पूरा कर पूरा कर रहे हैं लेकिन सोच समझ उसको नहीं है हमें अल्लाह ताली ने सोच समझ दी है अकल दी है और आप देखें कि इस तमाम जो अल्लाह ताला की मखलूकात हैं उसका बुनियादी तौर पे फ़ायदा उठाने वाली ज़ात मैं हूँ और आप हैं लेकिन आपने तो न सोच समझ से काम ले रहे हैं न हकीक़त को देख रहे हैं न अपने आप को जानने की कोशिश कर रहे हैं न अपने मकसद हयात को जानने की कोशिश कर रहे हैं और आपने एक ज़ाहिर ही को अपनी मंजिल करार दे के जाहिर ही के लिए आप आप मैं कह रहा हूँ आप, आप ख़ुद सोचें मैं आपको सिंगल मुखातिब कर रहा हूँ आपने एक जानवर अपने आप को हैवान नात तस्वुर कर लिया है कि बस खाओ पियो ऐश करो इंजॉय करो तो ये इंजॉयमेंट जिंदगी को आपने इंजॉयमेंट समझ लिया मज़े उड़ाओ मजे करो मजे मज़े उड़ाओ खुश रहें वो एक हमारा एंकर है ना वहाँ टेलीविजन पे वो जब बात करता है तो आखिर में ये दुआ करते हैं कि खुश रहें खुश रखें और इस तरीके से कोई दवा दुआ करता है वो यानी एंकर कौन वो एक यानी एक दानश्वर होता है जाहिर है कि एक जब लोगों को आप किसी टीवी पे बैठ के दूसरे को नसीहत करवाते हैं तो आपके ख्याल में वो एक बड़ा दानश्वर है बड़ा समझदार आदमी है तो वो ये कहता है कि खुश रहें खुश रखें बस आपकी ज़िंदगी का और मकसद ही नहीं ऐसी और भी लोग मतलब दुआएं करते हैं ये वो उसको आप देखें क्या हो रहा है तो मैं आपको कह रहा हूं कि हम तो हक पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं है अल लजीना आमनबे मैं बात करूँ साल के नुकसान से बचने वाले कौन लोग हैं जो ईमान वाले हैं ईमान का मतलब यकीन यकीन अपने ऊपर यकीन अपने मकसद हयात पर यकीन जो आपके सामने एक नमूना है रसूल की जात है उस पर यकीन ये कुरान जो आपके लिए एक यानी जाबतः हयात आपको बताता है कुरान अल्लाह का हुक्म है रसूल का तरीका एक आपकी फॉलो करने के लिए एक अमली नमूना है इन किसी चीज़ पर हमारा यकीन नहीं है न कुरान न हदीस न अपने आप पर न अपनी मंजिल पर न अल्लाह के मकसूद हयात होने पर इस पर भी यकीन नहीं है हमारा तो बातिल पर यकीन है बातिल क्या है मासे सब कुछ बातिल है आपके जहन में कुछ नजरिए ज़िंदगी न है न आप बनाना चाहते हैं असल में जो हमारा नज़रिया है या जो मंजिल है उसका ताल्लुक तो बातिन से है इंसान बातिनी कामयाबी के लिए पैदा किया है अल्लाह ताला ने इंसान को हमने जाहिरी कामयाबी को अपना मुर्दा बना लिया है जाहिर के पीछे हम दौड़ें और जाहरी की सारी दौड़ है ईमान वाले कहाँ हैं इसमें इस दौड़ में ईमान वाले तो नहीं हैं सारे लोगों ने जाहिर पर धोखा खा के जाहिर ही कामयाबी के लिए दौड़ रहे आपकी नज़र में कामयाब इंसान वो है जो जिसकी मंजिल जाहिर है जो आपको दुनिया में कामयाबी के तरीके बताता है वो आपके आते हैं ना मोटी मोटिवेटर मोटी वो सारे जो हैं जो मोटिवेटर हैं आपके जो हैं वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो नहीं करते बातें करते हैं आपकी दुनिया की कि आप एक बात याद रखें दुनिया में ये कामयाबी है और वो कामयाबी है और वो वो मोटिवेटर बड़े बड़े लेक्चर्स होते हैं और वो लेक्चर्स के यानी बहुत फ़ीस दे के उनको बुलाया जाता है उनकी की हासिल की जाती हैं बहुत से लोगों का हुजूम जमा होता है कि भाई ये इंसान जो है ये मोटिवेटर है तो वो मुख्तलिफ इदारों में जाते हैं स्कूलों में जाते हैं ये वो तो, लेकिन आपको वो मंजिल नहीं मंजिल का पता नहीं बताते वो वो आपको दुनिया में कामयाबी की मोटिवेशन करते हैं आप देख लें उनकी अपनी जिंदगी ये कोई बुरा ना माने मैं वैसी एक बात कर रहा आप मोटिवेशन जो आपको दुनिया की कामयाबियों की मोटिवेशन करे या मोटिवेट करे आपको उसको आप कहते हैं हाँ ये यार बड़ा और बाज जो है ऐसे मोटिवेटर भी हैं जो दीन की बात करते हैं सिर्फ दीन की लेकिन खुद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने कोई ये नहीं उनका उनको फॉलो करने के लिए तैयार नहीं है वो सिगरेट सुलगा सुलगा के और फिर आपको दिन की बातें बताते हैं कि ज़िक्र करो तस्बी करो ये करो वो करो ये मैं वैसे ही आपको बात बता रहा हूँ कि आपकी जहनीत क्या है आपको जो दुनिया दुनिया की तबलीग करे ख्वाब व हलाल ही क्यों ना तब्लीख़ करे मैं ये नहीं कह रहा कि वो आपको नाजायज़ तरीक तरीक़े बताते हैं लेकिन सिर्फ दुनिया में कामयाबी के आखिरत की ज़िंदगी ना उनका नसबुल्न खुद है न औरों लोगों को वो अल्लाह के लिए तैयार करें खालस अल्लाह के लिए अब ये बात तो देखें पैगम्बर हमें बताता है अने अब मुखलसी लहुद्दी अल्लाह की बंदगी और दीन अल्लाह के लिए करो ख़ालि कर व माउ मेरू अल्लाह लिया अब्दुल्ला मुखलसिन लहुद्दी हो नफा व युम सलाद वज़क़़त वालीम ये मोहकम दीन तो ये है कि अल्लाह की बंदगी होनाफा और यकसू अल्लाह की तरफ तो वो मोटिवेटर आपको अल्लाह की तरफ यकसुई का दर्श नहीं देंगे कभी भी और देंगे भी तो उसके अपने फवायद वो बताएंगे आपको दुनियावी फवायद बताएंगे ऐसी बात तो नहीं है मोमिन की तो जो सदा है वो तो सदा उसकी यह है कि इन्नी वजह तो वजह फतरस समावात अर्द हनीफम वमाना मिनल मुश्रकी मैंने अपना रुख फेल लिया है उस जात की तरफ जिसने ज़मीन और आसमान पैदा किए हैं और मैं इसमें यकसू हूँ यकसू एक तरफ दुनिया मेरी बिगड़ती है तो बिगड़ जाए मेरी आखिरत ना बिगड़े मुझे अल्लाह मुझसे नाराज ना न हो ये मोमिन का है, वो मोटिवेटर तो आपको दुनिया संवारने की बात बताते हैं हम कहते हैं कि माल दे दो जान दे दो सब कुछ दे दो अल्लाह को राजी कर लो अल्लाह को लब्बैक कहो <coughs> उसका कोई शरीक नहीं बहरहाल ये इजीना आमन में बात कर रहा हूं ईमान जो है देखिये ये हम हमारी कमज़ोरी है ना तो जब तक मैं कमजोरियों की अपनी कमजोरियों की बात नहीं करूँगा तो बात तो फिर अधूरी रहेगी जब तक हमें अपनी बीमारी का पता नहीं चलेगा तो हम यानी उसका इलाज कैसे करेंगे हमारी बीमारी ये है कि हमारा ईमान बिल्ला न है ना हम खालिश अल्लाह पर ईमान लाना चाहते हैं अल्लाह को अपनी मंजिल बनाने के लिए कोई तैयार नहीं है अपनी जिंदगी अपनी मौत अपनी नमाज अपनी कुर्बानी, अल्लाह के लिए कोई वक्फ करने के लिए तैयार नहीं है नमाजियों से मस्जिदें भरी हुई हैं लेकिन कोई नहीं जानता कि नमाज का मकसूद क्या है नमाज का मुद्दा क्या है नमाज क्यों पढूं मैं मैं क्यों हूं मेरा मुद्दा क्या है अल्लाह ताला मुझसे क्या चाहता है सारे लोगों ने सारे नमाजियों ने मस्जिद जो भरी हुई है उनका आप फिर देख लें उनके काम देख लें उनका रुख जो है दुनिया की तरफ उनकी मंजिल दुनिया है दुनिया ही कमाना चाहते हैं और दुनिया ही की कामयाबी को कामयाबी उनकी नज़र में असल कामयाबी है वो तमाम नमाजियों की जाए तो लजीना आमनों पे मैं बात कर रहा हूँ कि ईमान जो है वो एक बात ये नहीं देखें आप अपनी बीमारी को देख लें आपका ईमान बिल्ला न है ना आप लाना चाहते हैं हकीकी ईमान मैं जो आपको ये बात बता रहा हूँ ना तो ये तो वो दो कान हैं आप कहते हैं कहता रहे कहता रहे हमने तो अमल नहीं करना इसकी बात पे यानी आपका यानी ऐसा है रवैया ऐसा है सालों हो जाते हैं मेरे एक बात बताने को लोग समझ ही नहीं पाते कि मैंने मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मेरा मुद्दा क्या है क्योंकि इससे उनकी ज़िंदगी पर फ़र्क आता है उनकी ज़िंदगी का रुख बदल जाता है और रुख बदलने के लिए कोई तैयारी नहीं है सारे कहते हैं हाँ तो बस जैसी ज़िंदगी गुजारते हैं यानी मेरी मैं ये अपने तजुबात बयान कर रहा हूँ आपको अल्लाह तला की तोफ़ी से दावत का मैं काम कर रहा हूँ अल्लाह ताली के फजल और उसकी तोफ़ी से लेकिन मुझे इल्म है कि लोग मेरी बात अगर सुन भी ले तो उसके मुताबिक अमल करना यह उनके लिए मुश्किल है वो करना ही नहीं चाहते बहरअल तो आमन नुकसान से कौन लोग बचेंगे ये बात नोट कर लें जो उनका यकीन हो यकीन अपने आप पर यकीन अपने मकसद हयात पर यकीन अपने लिए जो रोल मॉडल है अल्लाह ने जिसको भिजवाया है अल्लाह के रसूल है, उस पर यकीन कुरान पर यकीन कि कुरान मेरे लिए हिदायत है रसूल मेरे लिए एक उस हसना है एक नमूना है शहीदन आलई को एक गवाह है मेरे लिए मैं उन्हीं के मुताबिक उन्हीं के उसव हसना को मैंने फॉलो करना हो तो बात यह है कि आजकल तो फॉलोअर्स जो हैं वो यानी अगर बात आती है कतरीना कैफ की तो हमारे फॉलो फॉलोअर्स को देख लें वो दर्जन दो दर्जन से ज़्यादा नहीं होंगे उनके लाखों में है उनके फॉलोअर्स अब जाहिर है कि इंसान तो उसी को फॉलो करता है जो इसका आइडियल हो हमारे आइडियल रसूल अक्रम सो नो 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 ना हमने उनके नज़रिए को कबूल करना है ना हमने उनके रास्ते पर चलना है हमने तो दुनिया ही हमारा मकसूद है और दुनिया ही की तरफ हमारा रुख है और दुनिया ही के लिए हम ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो ईमान बिल्ला बीच में कहाँ से आ गया और नुकसान से बचने वाले तो लोगों की जो चार शरात है उसमें पहली शर्त यह है लजीन आमन बोलोग जो ईमान ले आए बहरहाल मैं आगे चलता हूँ वह आमिल सालिहात का मतलब यह है कि जो आपका यकीन हो इस पर मैंने पहले भी बात की है इसी सूरह असर में कि आपका अमल आपके यकीन की गवाही देता है हमारा अमल कौमी तौर पर इनफरादी तौर पर वो आपको मालूम है कि हमारा अमल हम जाहिर के लिए जीते हैं और जाहिर के लिए जीना चाहते हैं तो ये हमारे उस यकीन की निशानदही करता है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी मंजिल हमने तो अपने जाहिर को अपनी मंजिल बना लिया है आप देख लें आप बच्चे अगर वालिदैन हैं तो जाहिर पर ही आपका एतमाद है भरोसा है फिर अपने बच्चों को आप देखें जाहिर की दुनिया में एक चमकता हुआ सितारा देखना चाहते हैं और कभी इसे मोटिवेटर के पास भिजवा रहे हैं कभी क्या कर रहे हैं कभी क्या कर रहे हैं कि भाई वो मोटिवेट हो जाए और बड़ा लीडर बन जाए लीडर आना सिफात हो जाए ये पीएम बन जाए ये सीएम बन जाए अजीन आमन व अमिन सालहत जो ईमान लाए और अमल सवाल जो तो देखें मैं आपसे बता रहा हूँ कि अमल साल अगर आपका ईमान बिल्ला नहीं है जैसा कि होना चाहिए तो अमल साल जो अल्लाह को मतलूब है वो पैदा नहीं हो सकता ये बात नोट कर ले जाहिर है कि अमल साल के, के बग़ैर तो ईमान अमल साल के बग़ैर मकबूली नहीं है और अमल साल जो आप कहते हैं तो वो उसके लिए तो ईमान बिल्ला होना चाहिए तो बहरहाल ये दोनों चीज़ें जो है वो शर्त है फिर जो तवास बिलहक तवास इसका मतलब यह है कि आपने अगर ईमान ईमान ले आए अल्लाह पे और अमल सवाल शुरू कर दिया तो आपकी ज़िंदगी महदूद नहीं होगी अपनी ज़ात की तरफ आप उस ईमान की रोशनी को फैलाने की भरपूर कोशिश करेंगे हक तवास व बिलहक करेंगे हक बात की तलकीन करेंगे और लोगों को भी कुन तुम खैर उम्मतन उखरजत तुम एक बेहतरीन उम्मत हो जिसे मैंने और लोगों के लिए बनाया है नेकी का हुक्म दोगे बुराई से रोकोगे हुजूर फरमाते हैं मुरन्न बिल मारूफ व लतन हवन्ना अनिल मुनकर जरूर तुम नेकी का हुक्म दोगे और बुराई से रोकोगे तो तवासो बिल हक में यह आता है कि आप उस रोशनी को अपनी अपनी ज़ात की तरफ महदूद नहीं रखेंगे बल्कि औरों के लिए जिएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने फिर आपकी ड्यूटी में जो पह, पहली ड्यूटी तो यह है कि आप खुद राह रास्ते पे आ जाएं, ईमान ले आए और अल्लाह के रास्ते पर चल पड़े फिर अब अल्लाह ताला आपको हिदायत देता है कि तुमने अपने लिए जिंदगी नहीं गुजारनी ऊ अनफ सकुम व अहलीक नारा अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचाओ अब ये दायरा आप फिर वसी करते चले जाते हैं दायरा आपको ये जरूरी है निजात की नुकसान से निजात की शराइ में ये तीसरी शर्त भी जरूरी है कि आप जिंदगी अपने लिए नहीं गुजारेंगे आप तमाम लोगों की खैर ख्वाही चाहेंगे भलाई चाहेंगे अदीन अन नसीहा मेरे आका ने फरमाया है कि दीन खैर है साहबा ने पूछा हुजूर खैर ख्वाही किस के लिए ला लसूल बोलेआम मतलमसलम और कमाकान लची मफहम उसका यह है कि अल्लाह के लिए खैर ख्वाही अल्लाह की खैर ख्वाही क्या है कि दीन उसके लिए खालिश कर ले रसूल की खैर ख्वाही है कि रसूल का इतबा शुरू कर दे मखलूक की खैर खवाही यह है कि जो नूर नूर हिदायत आपको मिला है वो फिर आगे आप पहुंचाने की कोशिश करें ये लाजमी चीज़ है बाज़ लोग इसको हल्का समझते हैं भाई मैं तो अपनी नमाज पढ़ हूँ मैं तो ईमान ले आया हूँ मैंने तो लब्बे कह दिया है था अल्लाह ताला की पुकार पे मैं तो रसूल की पैरवी कर रहा हूँ और लोग जाने और उनका काम जाने ये तस्वुर ये नज़रिया गलत है आपने अब उस रोशनी को फैलाना है शेयर करना है अपने घर में अपनी बीवी से बच्चों से और फिर दर्जा बदर्जा फिर तमाम आपने अपने लिए नहीं जीना अल्लाह के लिए जीना है और अल्लाह ताला ने दीन को भी इसलिए भिजवाया है लियुज रहू अल्दीन कुल्ले ताकि तमाम अदियान बातिल पर इसको गालिब कर दे तो आपको उसमें अपना हिस्सा डालना है तवा बिल हक व तवासो बिसब्र और सब्र कहते हैं कि आप अपने आप को रोके रखें कायम रखें एक मंजिल पर एक रास्ते पर अपने नफ्स की बागें आपके हाथ में हों और कहीं गलत तरफ आपका रुख ना मुड़ जाए आप अपने आप को रोके रखें हक़ पर कायम रहें हक़ की जस्तजू में रहें और जो हक़ है उस पर कायम रहें और इसमें किसी चीज़ का आप लिहाज ना करें बहरहाल ये सारी मुख्तसर बातें थीं सामने कराम, जो मैंने आपको कर दी अल्लाह का करम है फ़ल्ल है उसकी तोफ़ी है कि सुर आसर के उसने मज़ामीन को मुझे बयान करने और आपको सुनने की तोफ़ी इनाय फरमाई मैं तलावत करता हूँ मेरे साथ दोहराइए आऊजी بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر तर्जुमा सुना दें वल आसरे खसर ज़माना गवाह है इस बात पर कि इंसान नुकसान में जा रहा है अल्लजीन आमन हुआ अमिलहत नुकसान से वो लोग बज गए जो ईमान ले आए और अमल साल किया ब तोवासो बिलहक व तो बिल और हक बात की तलकीन करते रहे और सब्र की तलकीन करते रहे एक दूसरे को अबिनायत की तलावत और तर्जुमा अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहम वाला है वल असर असर की कसम इंसान नुकसान में है मगर वो लोग जो ईमान लाए और नेकमल करते रहे और आपस में हक बात की तलकीन और सब्र की ताकद करते रहे इसके साथ ही आज के दर्श का वक्त अख्ताम को पहुँचा इनशाल्ल अगले दर्स में फिर मुलाकात होगी व आखिर दावाना अनिल रबालमीन वसलम आलकम वर्क